अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। आप सबकी इजाजत हो तो हमारी बहन को उसके मायके लेके जाएं। नहीं, अनमोल कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि हम लोग को कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है ना रमन जी? आप हमें बाहर लेकर जा रहे हैं ना? घूमने के लिए बाद में चले जाना, एक बार पग फेरी की रस्म तो करनी होगी ना। रमू, हम कौन सा ज्यादा रोकने वाले हैं तुझे, एक दो दिन वहां रुकना और फिर आ जाना। लेकिन भैया टिकटें तो हो चुकी हैं। तो टिकट कैंसिल हो जाएगी। एम, इतना मन लग गया तेरा यार, जो दो दिन भी अपने भाइयों के साथ जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, बड़ी मुश्किल से घूमने का प्रोग्राम बना है, इसीलिए शायद आपको ना कह रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, अनमोल आपके साथ जाएगी। यहाँ की कुछ रस्में हैं वो पूरी कर लेते हैं। अनमोल तुम जाकर चेंज कर लो, फिर हम खोइछा की रस्म पूरी करेंगे। क्या हो रहा होगा वहां? अगर अनमोल ने शादी का भांडा फोड़ दिया तो बवाल हो जाए। हे भैया, बहुत बड़ी परेशानी में फंसे, कृपा करो मैया, ये मुसीबत से बचा लो। 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी, लंगर लगाऊंगी, मुझे बचा ले मां। अरे आप, कौन सी मुसीबत आ गई अम्मा जो आप इतना बौखला रही हैं? कसवे कजुआ, तुझे बताएंगे अपनी परेशानी। आपकी सबसे बड़ी परेशानी तो अनमोल थी जो कि अब चली गई, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं जाने की थोड़ी आया हूँ, मैं तो आज नाचने के लिए आया हूँ। तू आज किसकी शादी है जिसमें तू नाचेगा? अरे मेरी दोस्त अनमोल आ रही है ना, इसीलिए। कैरी, ये खोइचा बहू के सामान में रख दो, ये उनके मायके जाएगा। ध्यान से जाना और जल्दी आना। हे भगवान, रमन जी के ये गुमशुदा होने के पोस्टर अगर उदय भाई और अजय भैया ने देख लिया तो एक गोली से ही सब ढेर हो जाएंगे। उसे आना था, वो आई नहीं। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? पर एक दोस्त का दिल कहता है वो जरूर आएगी। बोले ना, नहीं आएगी। अरे पर मैं भी तो कह रहा हूँ,
वो जरूर आएगी। अब देखना, जब तक वो आती नहीं मैं इधर ही बैठूंगा। बैठो, अब करो अपना समय बर्बाद। इसी यशोदा को ना मुंह फुलाने की प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेना चाहिए। जब देखो तब मुंह फुलाती रहती। फिलहाल मैं अनमोल का वेट करता हूँ, देखता हूँ मेरे लिए क्या क्या नई चीजें लाती है। भैया अनमोल, अनमोल क्या हो गया तुम्हें? अनमोल उठो। अमो 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 क्या हुआ तुझे? अमो 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 पानी 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 मैं अभी लेकर आती हूँ। अमो अमो बेटा अमो होश कैसे हो गई? धन कहाँ है तुम्हारा? बस बाल कटवा लो तुम भाग ऐसे। अमो पानी अमो। अरे ओ मूरख चंद, दिमाग का क्या एफडी बना के रख दिए हो कि पोस्टर लेके कहाँ घूम रहे हो? जल्दी से बताओ किसने छपवाए हैं ये? बुआ जी, वो छोटी बहू ने कहा था। ये पागल लड़की लत्ती का भी दिमाग नहीं चलाएगी, जब चलाएगी तो टेढ़ा मेढ़ा उलट पुलट कुछ भी चला देगी। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? जाओ जल्दी से जाके इस पोस्टर को छुपा दो, जब समय मिलेगा ना तो चला देंगे। एक ई मृदुला जिससे हम अपने परिवार की इज्जत बचाते बचाते फिर रहे हैं, दूसरी ये पगलिया जो पोस्टर बना के सीधा प्रचार कर रही है। दोनों बहुएं हमें एकदम ही गुड़पक मिली है। ओ बेटा अनमोल, पानी पी ले। अमो अनमोल सब ठीक है? पानी अमो सब ठीक है? पानी पी ले। अमो ले पानी पी। कैसा लग रहा तुझे? तू अचानक बेहोश क्यों गई थी? वो हमें लगता है ना कि शादी के थकावट के चलते हमें चक्कर आ गया, लेकिन सच्ची हम बिल्कुल ठीक है। नहीं अम्मू, हमें लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं एक बार। हाँ नहीं भैया, सच्ची हम ठीक है। अम्मू हमें लगता है तुझे आराम की जरूरत है। अब 10 दिन से पहले तुझे तेरे ससुराल वापस नहीं भेजेंगे। तुम्हारे आने का जरूरत ना है। हम नहीं चाहते वो कि शादी में कोई अपशकुन हो और मनुष्यत फैले। नहीं भैया, सच में हम बिल्कुल ठीक हैं। अब आप लोग जाइए ना, हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे पक्का। अम्मो तू नहीं चलेगी ना तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे। भैया लगता है कि अम्मू यहाँ आकर हमें भूल गई। तेरा मन नहीं कर रहा ना तो ठीक है, अब हम भी तुझे चलने के लिए नहीं कहेंगे। चला जाए। भैया भैया रुकिए, भैया रुक जाइए प्लीज। अम्मू ऐसे नाराज होकर मत जाइए ना। देखिए हम इस दुनिया में सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन आप दोनों की नाराजगी नहीं झेल पाएंगे भैया। तो क्यों बार बार मना कर रही है? कोई बात है क्या जो तुमसे छुपा रही? क्या बात है? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। हम आते हैं आपके साथ पक्का। सामान लेकर आ, जो छोटी बहुरी हो मायके में साथ लेके जाएगी।
और एक बैग होगा वो भी ले आना। चलो एक सच छुपाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। रमन जहां कहीं भी है जल्दी आ जाए। विवू बेटा तुम्हारी डॉल ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गई। करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब ये सब कर रही हो, पूरी तरह से पागल हो गई हो तुम। रजत, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, दूर हटो मुझसे। मैं तुमसे दूर नहीं हटूंगी। जो बार बार तुम मुझे तलाक की धमकी देते हो ना, मृदुला फट जाएंगे वो पेपर। फटेंगे नहीं, मैं फाड़ू। तुम्हारे उससे वादा किया है कि अब हमारा तलाक नहीं होगा, तो भूल जाओ कि अब हमारा तलाक होगा। बुआ जी की जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है, और मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें होगा क्या। बुआ जी नहीं, और मैं बहुत पहले ही तय कर चुका हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहने वाली। रुको रजत। वो देखो अम्मा, आ गई मेरी अनमोल। पुते, इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो अम्मा?
अनमोल की शादी रजत से करवा दी और पता यहां तक गई। नहीं रह पाई ना अपने भाइयों को बताए बिना। ले ली सबसे बदला, तुम जिंदा नहीं बचोगी। अम्मा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद करने की? जान देना चाहती हो ना तुम? तो दो ना जाओ, मार डालो, मार डालो खुद को जैसे मेरे बच्चे को मारा था तुमने। रजत, इस एक बात के लिए हजार बार सॉरी बोल चुकी हूँ। तुम्हारे हजार बार माफी मांगने से मेरा बच्चा वापस आ जाए? हाँ बोलो, जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब तुमने बिना पता है मेरे बच्चे का अपोर्शन करवा दिया था। नर्स, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। आप रजत चौहान है ना? हाँ। दो दिन पहले ही तो आपकी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी वाइफ? अबॉर्शन करवाने। What? हमने उन्हें मना भी किया था, 3 months हो भी गए थे, पर वो नहीं मानी। पूरे घर में सब लोग यही सोचते हैं कि तुम उन 2 दिनों के लिए व्यासा को छोड़कर बस अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए गई थी, लेकिन लेकिन माँ और मैं जानते हैं कि सच क्या है। थोड़ा पिंक कलर का पहचान कर दो। आई वांट अ ग्लो। ओके, एक सेकेंड। हेलो। हाँ मृदुला, दीवू को 104 डिग्री बुखार है, हालत बहुत खराब है, मैं क्या करूँ? रजत प्लीज मैनेज कर लो ना, और इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, फीवर ही तो है। और अब हम बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जो गोरखपुर से आई हैं, सो प्लीज वेलकम मृदुला चौहान। रजत मेरा नंबर आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ, प्लीज मैनेज कर लो। ओके जल्दी। हेलो हेलो, क्या तुम अपना सच जानती हो? है? कैसे कर लिया तुमने, कैसे उस कॉन्टेस्ट के लिए तुमने दिव्यासा को बुखार में छोड़ दिया और तुमने उस बच्चे से इस दुनिया में आने का अधिकार छीन लिया? हाँ, बार बार ये जो तुम हक की बात करती हो ना कि मेरा पति मेरा पति मेरा पति, तब कहाँ चला गया था तुम्हारा पति? तब तुम्हें नहीं सूझा मेरा भी बच्चा था वो, मैं बाप था उसका, मेरा पूरा अधिकार बनता था उसके बारे में जानने का, मुझे बिना बताए उस मैं गलत किया, मेरे साथ ईवू के साथ और उस नन्ही सी। मैं मानती हूँ रजत, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, पर मैं क्या करती, इतनी मुश्किल से मुझे वो मौका मिला था, मैं उसे नहीं जाने दे सकती थी। मौका? तुम्हारा मौका, तुम्हारे बड़े सपने, उनके लिए तुमने मेरे बच्चे को धाव पटका दिया। अरे एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी क्या तुमने सोचा? ये माँ थी तुम, कलेजा नहीं खा पा तुम्हारा। एक गलती के लिए कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ, अब इस एक गलती की सजा अपनी जिंदगी भर दोगे क्या? अगर तुमने गलती की होती ना तो तुम्हें कब का माफ कर दिया होता मैंने, लेकिन तुमने खून किया है मेरे बच्चे का, इसलिए इस जिंदगी में तो मैं तुम्हें माफ करने से रहा।
ये पहनो, ताज है तुम्हारा, ब्यूटी क्वीन हो ना तुम। तो बात ऐसी है मृदुला, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सारे एम्बिशंस, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई अधिकार है। इसलिए अपनी और बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि तुम चली जाओ इस घर से। बीवी हूं तुम्हारी और हमेशा रहूंगी। बहुत बेटा बेटा करती हूं ना, तो लीजिए सुख बिना बेटे के, यही है आपकी सजा। भैया!